रेवाड़ी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुनील मूसेपुर के जनसमर्थन में जनसभा का आयोजन हुआ और इस जनसभा में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने बीजेपी से टिकट कटने के बाद बागी हो चुके आजाद उम्मीदवार रणधीर सिंह अपड़ीवास को गंदी मछली करार दिया। राव इंद्रजीत ने कहा कि बीजेपी के जोहड़ में रंग बिरंगी मछलियां तैरती हैं, इस जोहड़ को गंदी मछलियों के कारण खराब नहीं होने देना चाहिए क्योंकि एक गंदी मछली सारे जोहड़ को खराब कर देती है। रेवाड़ी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुनील मूसेपुर के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने शिरकत की। राव इंद्रजीत ने लोगों को संबोधन करते हुए विपक्ष पर कई हमले किए। साथ ही राव ने आजाद उम्मीदवार रणधीर सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि जब 2014 में इन्होंने अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा था लेकिन नहीं मिला तो इन्होंने रणधीर के लिए टिकट मांगा था और इनकी बेटी और खुद इन्होंने रणधीर के लिए वोट भी मांगे और ये विधायक बने। तब राव और बीजेपी अच्छे थे लेकिन आज जब इन्हें टिकट नहीं मिला तो पार्टी खराब और राव गद्दार हो गए। टिकट कटने पर राव इंद्रजीत ने कहा कि रणधीर 72 के हो गए हैं और कुछ करने में असमर्थ हैं, शायद इसलिए इनका टिकट काट दिया गया। अगर रणधीर के मन में कुछ वहम है तो वह भी दूर हो जाएगा क्योंकि 11 तारीख को कार्यकारी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रेवाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे और 14 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शहर के मोती चौक पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बीजेपी से बागी हुए रणधीर सिंह कापड़ीवास पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, साथ ही रणधीर सिंह कापड़ीवास को गंदी मछलियां करार दिया। राव इंद्रजीत ने कहा कि बीजेपी के जोहड़ में रंग बिरंगी मछलियां तैरती हैं, इस जोहड़ को गंदी मछली के कारण खराब नहीं होने दिया जाए क्योंकि एक गंदी मछली सारे जोहड़ को खराब कर देती है। जिन लोगों के अंदर खराबा करने का प्रयास किया है, कहते हैं एक मछली सारे जोहड़ को खराब कर देती है। ये भारतीय जनता पार्टी का जोड़ रंग बिरंगी जिसके अंदर मछलियां तैरती हैं, एक मछली अगर खराब हुई तो सारी भारतीय जनता खराब हो जाएगी। तो मैं आपके बीच के अंदर आकर के आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपका हमसफर साथी हूं। वही दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी सुनील मूसेपुर ने कहा कि मैं आखिरी पंक्ति में खड़ा होने वाला छोटा सा कार्यकर्ता था और राव साहब के प्रयास से मुझे जो टिकट और सम्मान मिला मैं ताम्र उनका शुक्रगुजार रहूंगा और राव की बेदाग छवि की तरह जनता का सेवक बनकर उनके लिए काम करूंगा। मैं वक्ता नहीं हूँ बहुत बड़ा, ना मैं नेता हूँ, एक आम सा आदमी हूँ। राव साहब ने आपके सेवा के लिए मुझे मौका दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ, आपको वादा करता हूँ कि 5 साल तक आपके पूरे एक एक वोट को जो आप देंगे मुझे उसके लिए मैं पूरे दिन रात आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा और आने वाले टाइम में जो राव साहब ने पिछले 40 साल में कमाया, राजनीतिक में एक ईमानदारी की छवि कमाई, एक ऐसा इंसान जिसने कि पूरे जीवन में किसी तरह का कोई दाग नहीं लगने दिया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि राव साहब के सम्मान में मैं किसी तरह की कोई दाग लगने देने का काम नहीं करूंगा ऐसा। बहरहाल अब देखना है कि सुनील मूसेपुर के लिए रणधीर सिंह कितनी बड़ी चुनौती होंगे या 11 और 14 अक्टूबर की जनसभा में रणधीर सिंह बीजेपी से दूरी कम होती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। श्याम बाटला, टोटल न्यूज, रेवाड़ी।